है, वो उनका जो वायलेंस है ना बहुत ही मतलब एक मेडिवल बार्बरिज्म दिखाया है, और वायलेंस एज अ फोर्स दिखाया गया है, वायलेंस एज अ डोमिनेंस नहीं दिखाया गया है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। क्या कहोगे मूवी के बारे में? पहले तो मैं हंगर गेम्स की बहुत बड़ी फैन हूँ, और उन्होंने हंगर गेम्स से इंस्पिरेशन लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कॉपी नहीं किया इंस्पिरेशन लिया, बहुत अच्छा लगा। और प्रभास ने भी अच्छा कमबैक किया है, और ये साल तो मतलब ऑडियंसेस, मैंने 7 पिक्चर देखी हुई मेन स्ट्रीम के साथ, और बहुत सारों ने मतलब मेरे पैसा वसूल किया है। और ये एनिमल से तो अच्छी है, ये तो बहुत ही अच्छी है। वायलेंस ऐसा वायलेंस नहीं है कि आई एम, एक तो एक कोट है ये फिल्म में कि जो बलिशाली है उसी को आसन है, ऐसा ये आपको लगेगा एनिमल से इंस्पायर्ड है ऐसा कुछ है, लेकिन वैसा नहीं है। वो उनका जो वायलेंस है ना बहुत ही मतलब एक मेडिवल बार्बरिज्म दिखाया है, और वायलेंस एज अ फोर्स दिखाया गया है, वायलेंस एज अ डोमिनेंस नहीं दिखाया गया है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो वर्ल्ड बिल्डिंग वैसी है ना। प्रभास सर की बात क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कमबैक दिया। मतलब के साथ उनका पेयरिंग कैसा लगा? जो डायरेक्टर है, एक्चुअली मैं ऐसी आ गई पिक्चर देखने और मैं बहुत खुश हो गई, मैं तो बैठने भी नहीं वाली थी। उन्हें जो कोस्ट आ रहे हैं सुकुमार, उनका आपको काम कैसा? अच्छा, जो उनके दोस्त है, हाँ, एक तो स्टार्टिंग में कैसा मुझे लगा ये कुछ भारी विलन नहीं रहेगा, कुछ भारी दोस्त नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा किया परफॉर्म। मुझे लगा था ये फीका फीका आएगा, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। माँ वाला एंगल कैसा लगा मूवी के अंदर? एक माँ का एंगल भी है अब बहुत अच्छा। एक तो उन्होंने एक एलिमेंट यूज़ किया जो बैटमैन में भी यूज़ किया गया है कि स्टार्टिंग में जब उसके पेरेंट्स मरते हैं बैटमैन के, तब से ये पूरा सागा शुरू होता है 3 फिल्म्स का। ये वो उठाया नहीं है, चुराया नहीं है, लेकिन वहीं से लिया है, और बहुत इंस्पिरेशन लिया है, और बहुत अच्छे से शुरू किए 3 मूवीज शुरू करने का, क्योंकि बहुत हमारे कोरा पे एक आता है क्या ऐसी एक मूवमेंट है जिससे वो फिल्म बनती नहीं थी, तो ये एक मूवमेंट बहुत अच्छे से लिया है। बैकग्राउंड बीजीएम कैसे है रवि बासरो, जिसमें केजीएम में म्यूजिक कैसा लगा आपको मूवी का? अच्छा है, थोड़ा सा गोर होता है कि इसे स्लैश स्लैश कट 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 बहुत ऐसा चीर फाड़ सा आवाज़ आती है, लेकिन बहुत मतलब ठीक ही है, इससे ज़्यादा साउंड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता। बहुत लोग जो हैटर्स हैं उन कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट कुछ ज़्यादा ही है। वो थोड़ा मुझे क्या लगता है अगले 2 जो आने वाले हैं उसमें ना थोड़ा एनिमे इंस्पिरेशन लीजिए, थोड़ा सा उसको ग्राफिक डिजाइनर्स लीजिए इतने सारे इंडिया में जो है अच्छे, कुछ संजय लीला बंसाली से मांग लीजिए, और एकदम मतलब आँखों को भी अच्छे लगे वैसी मूवी बनाओ। ओवरऑल मूवी कैसी लगी, 1 वर्ड में क्या बोलेंगे? बहुत फैंटास्टिक है, 4. मतलब 8 समझो, अगर दो वो ग्राफिक के निकाल दिए तो। किंग सुंदर ने बड़े स्क्रीन पे एक और मूवी रिलीज हुई है शाहरुख खान की डंकी, क्या कहोगे क्लैश में, क्या के बारे में आपको क्या लगता है? क्लैश मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर SRK और प्रभास की बात की जाए तो प्रभास ने भी अच्छा कमबैक दिया है, बहुत अच्छा, और SRK ने तो अच्छा ही दिया है, हमें तो पता है पूरा साल उन्हीं का है। तो क्लैश डंकी भी अच्छी है, ड्रामा है, ये भी अच्छी है। मैं अभी डंकी देखी थी क्योंकि मुझे SRK का इतना बड़ा फाउंडेशन है स्टारडम का, तो वो देखी मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी मैं ऐसे ही देखने आई तो ये भी बहुत अच्छी निकली, मतलब मेरा तो पैसा वसूल हो गया ये साल पैसा वसूल हो रहा है, बॉलीवुड ये साल जरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।